बीजेपी और कांग्रेस का है। बहुत से बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी वोट वहां दो जहां वोट की गिनती हो, जिस वोट से विकास हो, जिस वोट से राज बने, ताकि हम लोग यहां पर बैठकर आपके जो जो काम रह गए उन सब कामों को कराने की बात कर सकें। छोकर साहब और हम लोग मिलकर इस समालखा में वो काम करेंगे जो आप चाहते हो। नौजवान को नौकरी मिलेगी, किसान को दाम मिलेगा, महिला सुरक्षित रहेंगी और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हम लागू करेंगे। लेकिन आप लोग अगर आपस में बट गए, अगर हमने सोचा जीत तो रही है, मत डालो वोट, वोट प्रतिशत कम रह गया, बहकावे में आ गए, लालच में आ गए, डर गए, धमकी में आ गए, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लोकतंत्र में एक एक वोट कीमती है। अभी दो दिन पहले मैं जम्मू में था, उधमपुर में था, कठुआ में था, जम्मू कश्मीर में भी एक सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है और हरियाणा में तो जैसा मैंने पहले कहा 3/4 बहुमत से गांव में, शहर में किसान, दलित, आदिवासी, महिला सब मन बना चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी कितने बहुमत से जीतती है। जितना बड़ा बहुमत आप दोगे उतनी ज्यादा ताकत कांग्रेस पार्टी के मेले को मिलेगी। अभी आपके बीच में दो दिन का समय और है, बहुत से नेता आएंगे, हर पार्टी के नेता आएंगे, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कांग्रेस वो पार्टी है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ती है। केंद्र की सरकार ने, बीजेपी ने कांग्रेस को नेताओं को डराने का, धमकाने का, झूठे केस करने का, इनकम टैक्स, CBI, ED सब लगा रखी है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए बुला लिया, नेताओं को पकड़ के रख रखा है। जब राजनीतिक मैदान में पिछड़ जाते हैं तो पुलिस को आगे करते, एजेंसी को आगे करते हैं। इन सब लोगों की बोलती बंद करने के लिए